तो आज की इस वीडियो में हम YouTube और WhatsApp के कुछ नए फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं और उम्मीद करूंगा कि ये सभी फीचर्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर सच में आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को जोर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले बात YouTube की कर लेते हैं। YouTube में अगर आप टाइमलाइन को स्किप करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आप इसको ऊपर की तरफ में स्लाइड करो ताकि आप इसकी फ्रेम बाय फ्रेम को देख पाओ। वैसे मैं इस फीचर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। फीचर की मदद से आप डिटेल में वीडियो के जो फ्रेम्स हैं उनको देख सकते हो, वहाँ तक स्किप कर सकते हो, जहाँ पर पॉज करना है बिल्कुल वहीं पर एग्जैक्ट पॉज कर सकते हो। अगली अपडेट भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। आपको वीडियो की स्पीड चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ना ही स्किप करना पड़ेगा। सिंपली जहां पर भी आप वीडियो को देख रहे हो वहां पर प्रेस एंड होल्ड कीजिए, वीडियो अपने आप 2x में चलने लग जाएगी। मुझे ये काफी अच्छी अपडेट लगी, आप लोग ट्राई करके जरूर से बताना कि आपको ये कैसा लगा। व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं तो व्हाट्सएप में लगातार जो चेंजेस हो रहे हैं आपको पता ही होगा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि दो व्हाट्सएप एक फोन में कैसे चलाते हैं। तो मेरे मेन व्हाट्सएप में मुझे अपडेट नहीं मिली है, लेकिन सेकंड वाले व्हाट्सएप में जहां पर फोटो वगैरह सेंड करते हैं उसका लुक बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसके अलावा जब भी आप किसी को ग्रुप में मेंशन करते हो @ यूज करके तो उसको मेंशन का एक मैसेज नोटिफिकेशन जाता है। इसके बाद में जब भी आप किसी को ऑडियो रिकॉर्ड करके यानी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड करते हो तो वहाँ पर पॉज वगैरह के भी ऑप्शन आ चुके हैं, उसको आप दोबारा से सुन भी सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन जुड़ चुका है, इसको भी आप व्यू वंस करके सेंड कर सकते हो, यानी सामने वाला सिर्फ इसको एक बार ही सुन पाएगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो आप अभी ऑडियो मैसेज जो आप सेंड करते हो वॉइस मैसेज उनके साथ में भी ऐसा कर सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करने वाले बटन पर आप एक बार टैप करोगे तो वो वीडियो मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से आप वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकते हो। इसमें भी अभी पॉज करने का ऑप्शन आ चुका है, आप पॉज करके देख सकते हो कि आपने क्या कुछ वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया है, उसके बाद में उसको सेंड कर सकते हो और ये सामने वाले की चैट में जिफ की तरह प्ले होता रहेगा, तो ये भी काफी अच्छी अपडेट है। इसके अलावा सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आप जाओगे तो वहां पर आपको पास की नाम का भी एक ऑप्शन मिलेगा ताकि आप एक पास की क्रिएट कर पाओ और जब भी किसी को आपको लॉग इन करना हो किसी दूसरे मोबाइल में या फिर कोई आपके स्थान पर लॉग इन करना चाहता है तो उसको कुछ पासवर्ड वगैरह जो है यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन की तरह है, इसको भी जरूर से आप ट्राई करके देख सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।